तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैकर्स कौन से एडवांस किस्म के हैकिंग टूल यूज करते हैं जिससे वो आप लोगों का वाईफाई बहुत ही जल्दी हैक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टूल भी बताऊंगा जिनको आप यूज करके वाईफाई हैक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप लोगों का वाईफाई हैक होने से बचा रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज अलेक्स जॉर्ज, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू टेक। नंबर वन, वाईफाई हैकिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो है वाईफाई स्लैक, जो कि एडवांस किस्म के हैकर यूज करते हैं। वो आप लोगों पे अटैक कुछ इस तरीके से करते हैं, मोडेम और यूजर के दरमियान जो फासला होता है डिस्टेंस का, उसके दरमियान से वो वाईफाई को कट कर देते हैं। वो अगर आप लोग वाईफाई कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पे वो आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप अपने मोडेम में या अपने मोबाइल में पासवर्ड इंटर करेंगे तो वो सबसे पहले कंप्यूटर हैकर के लैपटॉप में जाएगा, और फिर वो हैकर के जब लैपटॉप में ओरिजिनल पासवर्ड चला जाएगा तो मोडेम और यूजर को दोबारा से कनेक्ट कर देगा। जो पासवर्ड आपने ओरिजिनल दिया होता है वो कंप्यूटर में, हैकर के कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाता है, और हैकर उसे बड़ी इजीली से यूज करकर आपकी डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है। इस वाईफाई स्लैक को यूज करने के लिए आपको किसी भी किस्म की कोडिंग या C++ या ऐसा कुछ भी आना जरूरी नहीं है। ये बहुत बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर है जिसे आम यूजर भी यूज कर सकते हैं, मगर आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का इलम ना होने की वजह से आप इसे यूज नहीं करते। इसमें सिर्फ 4 या 5 स्टेप करने होते हैं, कुछ कमांड रन करनी होती है जो कि ऑटोमेटिक होती है और वो अटैक कर देती है। अगर आप लोग वाईफाई स्लैक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वाईफाई स्लैक पे। नंबर 2, सॉफ्टवेयर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डेली बेसिस पर अपने चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिनमें आ जाती हैं वाइट हैट हैकिंग, टेक्निकल, कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी नहीं जाएगा, और आपको डेली बेसिस पर ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी जो कि और चैनल पर आपको नहीं मिलती। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो उस पर हम रखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को। हैकर आपकी मोडेम पर ब्रूट फोर्स अटैक करता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा कमांड्स को रन करता है। उस कमांड के जरिए वो आपका हैंड शेक कैप्चर करता है और हैंड शेक पर डिस्कनरी अटैक करता है, और ये डिस्कनरी में लाखों या करोड़ों की तादाद में पासवर्ड सेव होती है। उस पासवर्ड को एक एक कर आपकी वाईफाई के हैंड शेक कैप्चर पर ट्राई करता है। अगर वो डिस्कनरी और आपके वाईफाई का कोड मैच हो गया तो उसके पास वो कोड आ जाएगा, वरना उसके पास वो कोड नहीं आएगा। यानी डिस्कनरी में कुछ ऐसे कोड्स को मजमुआ होता है जो कि यूजर बहुत आम यूज करते होते हैं। अगर आप लोगों का कुछ हटकर पासवर्ड है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे पासवर्ड डिक्शनरी में नहीं होते तो आपका पासवर्ड उससे मैच नहीं हो पाएगा और आपके वो पासवर्ड को यूज कभी नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पर हम बेसिक मेथड को रखते हैं जो कि एक आम यूजर या एक बच्चा भी इसे यूज करके किसी का भी वाईफाई बहुत इजीली तौर पर यूज कर सकता है। अगर आप घर में या अपने दोस्त के किसी के घर गए हैं और आप लोगों को अपने या अपने दोस्त के वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता तो एक सिंपल सी ट्रिक कीजिए और उसका वाईफाई आपके वाईफाई से आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप उसकी मोडेम को उठाते हैं और उसकी बैक साइड पर एक लफ्ज लिख रहा होता है WPS पिन, वहां पे या पिन अपने मोबाइल में इंटर करें, या वहां पे WPS बटन होता है उस बटन को प्रेस करें और अपने मोबाइल में जाएं, WPS को इनेबल करें और वहां से एक लाइन चलेगी उससे कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे वो 30 सेकंड का टाइम होता है, उस 30 सेकंड में अगर उस बटन को आप प्रेस करते हैं और इधर से अपने मोबाइल में WPS बटन को इनेबल करते हैं तो आपको किसी भी पासवर्ड के बगैर उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। रूट होने के बाद अपने प्ले स्टोर पर जाए और शो वाईफाई पासवर्ड की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाएंगी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और अपने मोबाइल में उसके पासवर्ड को देख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीका था। नंबर 4 पे हम बात करेंगे मोबाइल वाईफाई हैकिंग ऐप की, कि आपको प्ले स्टोर पे लाखों या मिलियन के हिसाब से वाईफाई हैकिंग की एप्लीकेशनें मिल जाएंगी। उनमें से बहुत ज्यादा लोग इन पे हैकिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग का क्वेश्चन ये होता है कि ये फेक है। तो ये जो वाईफाई हैकिंग की ऐप होती है ये सिर्फ डिफॉल्ट पासवर्ड पे
अप्लाई करके आप उसके वाईफाई के पासवर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम कंपनी से किसी से भी वाईफाई रूटर लगवाते हैं तो डिफॉल्ट एक पासवर्ड लगा होता है, वो भी WPS होता है। अगर आप लोग उस WPS राउटर के जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज कर देंगे तो आप पे कोई भी एप्लीकेशन जो मोबाइल में यूज होती है तो आपके वाईफाई को हैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अपना डिफॉल्ट WPS को चेंज नहीं किया तो इजीली WPS, WPS टेस्टर या ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जिस पर वो बहुत इजी तरीके से आपके वाईफाई को WPS ट्रेस कर लेती है और उससे आपको ओरिजिनल पासवर्ड वो ढूंढ कर आपको सामने ले आती है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 99% एप्लीकेशन यही है कि WPS अगर आपका डिफॉल्ट है तो अगले का आप पासवर्ड बिल्कुल इजीली तरीके से हैक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 ऐसे वाईफाई टूल्स के बारे में बताएं जो कि एडवांस किस्म के हैकर यूज करते हैं या बहुत ही बेसिक किस्म के लोग यूज कर रहे होते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्ट लगा होगा और काफी मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको आने वाली वीडियो में ब्रूस फोर्स या वाईफाई स्लैक में से किसी भी वाईफाई हैकिंग पे वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने बस नीचे कमेंट में कमेंट कर देना है कि इस पे चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट हो कम से कम 100 लाइक से अप होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।